हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। सर्दियों में चटपटा स्टार्टर खाने का मजा ही कुछ और होता है। आज मैं आपके साथ पनीर की चटपटी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे ड्रैगन पनीर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैगन पनीर बनाने के लिए तो हमने एक बोल लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा ले रहे हैं और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं। इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक। इसको हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे। ध्यान रहे बैटर ना ही बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ही गाढ़ा। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पनीर को हम रेक्टेंगल शेप में स्लाइस कर लिया है। हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और इस बैटर के अंदर डाल के इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। एक बर्तन में हमने तेल ले लिया है, इसको अच्छे से गरम कर लिया है और पनीर को हम कोट करके एक एक करके डालते जाएंगे और इसको गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, शेप भी आप जो चाहे आपके मन का बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। फ्लेम हमने मीडियम पे रखा है। हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है ट्रेवल एंड टेस्ट। इसमें हम व्लॉग डालने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि उस वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। इस तरह से हम अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, अलट पलट करके आप अच्छे से इसको फ्राई करें। पनीर हमारा गोल्डन हो चुका है, अब बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसको अब हम निकाल लेंगे एक छन्नी में ताकि तेल अच्छे से निथर जाए और इसको रख देते हैं हम साइड पे। इसी तरह से सब पनीर हम फ्राई कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़ा पानी डाल के उसका पतला सा बैटर बना लेते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं। और वही बर्तन जिसमें हमने पनीर फ्राई किए थे उसमें 2 टेबलस्पून हमने तेल लिया है और इसमें ऐड कर दे रहे हैं हम 10 से 15 कली लहसुन बारीक चॉप किया हुआ। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से फ्राई और उसी के साथ हम ऐड कर देंगे एक प्याज जो लंबी लंबी कटी हुई है और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और साथ में ही हम ऐड कर देंगे हरी शिमला मिर्च जो कि हम लंबी लंबी पतली पतली काट लिए हैं, और ऐड करेंगे लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च ऑप्शनल है, मेरे पास थी तो मैंने डाली और लुक भी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हरी शिमला मिर्च से भी काम चला सकते हैं। और उसी में हमने ऐड कर दिया है हरी प्याज के ऊपर का हिस्सा जो सफ़ेद वाला होता है वो हमने थोड़ा सा डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको कर देते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। सब्जियों को हमको पकाना नहीं है, क्रंची क्रंची रखना है, इसको गलाना नहीं है। सब्जियां अच्छे से सॉटे हो गई है, इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हमने अजीनोमोटो डाला है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको कर रहे हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। सब्जियों के साथ हमने हरी मिर्च और काली मिर्च भी ऐड करे हैं और अब हम डाल दे रहे हैं 1/2 कप इसमें पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो कॉर्नफ्लावर का हमने घोल बना के रखा था इसको भी हम ऐड कर देते हैं और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। ये मिक्स करने के बाद थिक हो जाएगा और ये सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए कॉर्नफ्लावर जब हमने डाला तो ये थिक हो गया है, हमको बहुत पतला नहीं चाहिए। बस इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे क्रिस्पी पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे। पनीर डालते ही फौरन हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद और उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते जिससे उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फ्लेम अगर आप बंद नहीं करेंगे तो पनीर जो है सॉफ्ट हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, इसलिए हमको फ्लेम फौरन बंद कर देना है और मिक्स करके फौरन गरम गरम इसको सर्व करना है ताकि पनीर जो है क्रिस्पी रहे। तो चलिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको
सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म ड्रैगन पनीर बनके हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी ड्रैगन पनीर कैसे बनी। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।